भेजो कैसे कैसे भेजो भी इसको आज सर से बात करेंगे तभी ना बात करो अगर आ जाए तो हम बैठे ठीक है तो अच्छा फिर ऐसा करना फिर क्या नहीं उसको भेजिए तब हम सब कर जी है विवेचक को आइए विवेचक संपर्क करो ठीक है विवेचक थोड़ा सा आशीर्वाद नमस्कार आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24 खबर। गोरखपुर में गैंगस्टर के केस से जुड़ी फाइल में आपत्ति लगाने और केस को आगे बढ़ाने मामले में बड़ा खेल सामने आया है। अभियोजन विभाग के दो बड़े अधिकारियों का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। भेजो कैसे कैसे भेजो भी इसको आज सर से बात करेंगे तभी ना बात करो अगर आ जाए तो हम बैठे ठीक है तो अच्छा फिर ऐसा करना फिर SSP के यहाँ साफ कहाँ जाएगा लफड़ा हो जाएगा। हाँ डायरेक्टली ले आना ठीक है न्यायालय कहीं रहे तो अगर अभी बात कर लो अभी तो हम है थोड़ा सा अभी देख लेते अगर हो जाता है ना तो हाँ हो जाए तो लेते ठीक है। वर्दी पहने पुलिस वाला जिसका चेहरा धुंधला दिख रहा है वो अधिकारी से गैंगस्टर मामले में काम कराने की गुजारिश कर रहा है। पुलिस वाला नोटों की गड्डी अधिकारी को देते हुए दिख रहा है। अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए। एक युवक से सादे कपड़े में अधिकारी के दफ्तर में बात करते दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद युवक रुपए निकाल कर अधिकारी को देते हुए दिखाई दे रहा है जिससे वो दराज खुलवा कर उसमें रखवा देते हैं। दरअसल गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रहने वाले बदमाश गैंगस्टर कपिल मुनि यादव को विधानसभा चुनाव के पहले जिला बदर किया गया था। पुलिस ने इस गैंगस्टर की सिफारिश की थी जिस पर प्रभारी संयुक्त निर्देशक अशोक वर्मा और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रणविजय ने आपत्ति लगाकर फाइल को लौटा दिया था। अविरल सिंह नामक युवक ने अपने ट्विटर पोस्ट पर घूस लेने वाले वीडियो को पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ACS होम अवनीश कुमार अवस्थी गोरखपुर के जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ADM सिटी विनीत सिंह को जांच सौंपी। जांच में मामला सही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने दोनों को निलंबित कर दिया। उन्होंने जांच कराने के लिए ADM सिटी साहब को नामित किया था। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था कि मतलब जो व्यक्ति उसमें दिखाया गया है वही अधिकारी है जिनका नाम कोट किया गया तो उन्होंने इसकी पुष्टि की तो उसके आधार पर शासन में कार्रवाई हेतु बहुत सख्ती से डील किया जाएगा। द पब्लिक ऑफिस पब्लिक बेनिफिट के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए और अगर इसमें किसी तरह का अगर इस तरह का शिकायत आएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी और सख्त